सीबीएसई के द्वारा जल्द ही जारी की जाएगी 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड एग्जाम डेट शीट। नमस्कार, मैं हूँ इश्मीत कौर, द यूनिक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो अपडेट है ये 10वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई जल्द ही 10वीं और 12वीं कक्षा की जो बोर्ड एग्जाम की डेट शीट है 2024 की, उसको जारी करने जा रहा है, उसको अनाउंस करने जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो डेट शीट है ये दिसंबर 2023 के आखिरी हफ्ते में जारी की जाएगी। हालांकि इस अपडेट की, इस जानकारी की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो पिछले साल के रिकॉर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो डेट शीट है ये दिसंबर 2023 के आखिरी हफ्ते में जारी कर दी जाएगी। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि पिछले साल की जो बोर्ड एग्ज़ाम डेट शीट थी वो 29 दिसंबर को जारी की गई थी, इसीलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल भी जो डेट शीट रहेगी वो इसी डेट के आसपास किसी डेट पर या इसी डेट पर जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी, जारी कर दी जाएगी। मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगी कि हर साल सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक भारी संख्या में शामिल होते हैं, और बोर्ड ने ये भी जानकारी दी है कि ये जो इस साल के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स रहेंगे वो 15 फरवरी से शुरू कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगी कि एक बार डेट शीट जारी हो जाए उसके बाद सारे स्टूडेंट्स इस डेट शीट को सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने संबंधित स्कूलों से भी डेट शीट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सीबीएसई की अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.cbse.government.in सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं सभी स्टूडेंट्स को एडवाइस देना चाहूँगी कि आप टाइम टू टाइम ये जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है सीबीएसई की, वो चेक करते रहें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो आपसे छूट ना पाए। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल 50 लाख से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो शामिल होते हैं, और सीबीएसई को देश का सबसे बड़ा बोर्ड भी माना जाता है, और हर साल जो इसके बोर्ड एग्ज़ाम्स रहते हैं वो फरवरी से मार्च के बीच में शुरू हो जाते हैं। इस साल भी जो ये एग्ज़ाम्स है ये 15 फरवरी को शुरू कर दिए जाएंगे, और इसकी जो अनाउंसमेंट है वो बोर्ड ने ऑलरेडी कर दी है। बोर्ड ने जब पिछले साल के यानी कि 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट निकाला था, जब रिजल्ट की घोषणा की थी, तब उन्होंने साथ ही साथ ये भी घोषणा कर दी थी कि 2024 के जो बोर्ड एग्जाम रहेंगे वो 15 फरवरी से शुरू कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा बोर्ड ने जुलाई में ये भी कहा था कि एग्जाम लगभग 55 दिनों तक आयोजित किए जाएंगे और अप्रैल के आसपास एग्जाम जो है वो समाप्त होने की संभावना नजर आ रही है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं ग्रेड्स में जो शामिल हो रहे हैं स्टूडेंट्स, उनकी जो गिनती है, उनकी जो संख्या है वो 50 लाख से ज़्यादा है। हर साल बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं। ये जो एग्ज़ाम्स रहते हैं ये फरवरी से मार्च के बीच में होते हैं। और साथ ही साथ मैं एक बार फिर आपके साथ सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी शेयर करना चाहूँगी, www.cbse.government.in सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है। सारे स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि आप टाइम टू टाइम ये वेबसाइट चेक करते रहें ताकि कोई भी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है या कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से स्किप ना हो। 2023 से लेकर 2024 के 10वीं और 12वीं क्लास की जो बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट होगी वो अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर 2023 के आखिरी हफ्ते में ये डेट शीट जारी कर दी जाएगी। पिछले साल ये जो डेट शीट है ये 29 दिसंबर को जारी की गई थी, इसीलिए ये संभावना है कि इस साल भी डेट शीट जो है इसके आसपास से जारी कर दी जाए। उसके साथ साथ मैं सारे स्टूडेंट्स को ये भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग कड़ी मेहनत करें और इस साल के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनमें आप अच्छे मार्क्स लें, अच्छे मार्क्स के साथ आप अपनी जो क्लासेस हैं उनको पास करें। आज की अपडेट के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहिए द यूनिक न्यूज़ के साथ। मैं हूँ इश्मीत कौर, वीडियो जर्नलिस्ट रोहित सेन के साथ। धन्यवाद।